सावन का महीना चल रहा है और सड़कों पर कावड़िए यानी कि भोले देखने के लिए मिल सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे भोले की कहानी लोकल 18 पे बताने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चाओं का केंद्र बना है। दरअसल इस कावड़िए का नाम देव है, जो अपनी माता जी को 101 वर्ष पूरा होने पर उन्हें कावड़ के द्वारा यात्रा करवा रहा है। देव ने बताया कि उसके कावड़ का कुल वजन 116 किलो है, क्योंकि एक तरफ गंगा जल है जो करीब 61 लीटर का है और एक तरफ माता जी का वजन है। दोनों को मिलाकर 116 किलो के इस कावड़ को देव अकेले ही पैदल ले जा रहे हैं। जहाँ भी देव विश्राम करने के लिए रुकते हैं, लोग इनकी फ़ोटो खींचने लग जाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। कई लोग देव को कलयुग का श्रवण कुमार भी कहकर पुकार रहे हैं। देव कहाँ से आए हो आप? हरिद्वार से। हाँ, हरिद्वार से। खुर्जा के पास धराव गांव, जिला बुलंदशहर। तो आपने जल कब उठाया था? एक तारीख को जल उठाया था। और ये कौन है? ये आपकी माता जी हैं। तो मतलब इन्होंने कहा था आपसे कि आप मतलब ऐसे जल और इन्हें साथ ले आओ? और मेरी अच्छा, आपकी अपनी इच्छा थी माता जी को हरिद्वार गंगा जी में? 100 साल की। अच्छा, 100 साल की आयु हो गई अम्मा जी की। ठीक है, अब फिलहाल आपको कैसा लग रहा है माता जी को साथ ले जाकर? मैं बहुत खुश हूँ माता जी। आप बहुत खुश हैं। तो आप आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संकेत देना चाहेंगे कि उन्हें अपने मतलब माँ बाप के साथ क्या करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो लोग वृद्धाश्रम में माँ बाप को भेज रहे हैं, दूसरी तरफ आपको जो कि अपनी माता जी को कंधे पे ला रहे हो। देखो जी, मैं उनके बारे में कुछ कहूँ तो कुछ लोग बुरा मानेंगे। जी जी, पर लेकिन आश्रम में लोग छोड़ते हैं अपने माँ बाप ने, वो मोटे इंसान होते हैं, पैसे में भरपूर होते हैं। जी जी, और कम से कम अपनी आत्मा के सामने रखना चाहिए बड़े बड़े। तो आपने 1 तारीख में जल उठाया, तो कब तक पहुँचने की उम्मीद है आपके? 14 तारीख। तो करीब कितने किलोमीटर होगा? हरिद्वार से खुर्जा 260 किलोमीटर। 260। अच्छा, कितना वजन होगा टोटल आपकी कावड़ में? 1 क्विंटल 16 किलो। यानी कि 116 किलो।